नहीं चलेगी। विधानसभा के आज तीसरे दिन जो है निलंबन को लेकर भाजपा विधायक बिरंची नारायण और भानु प्रताप शाही को जो है निलंबित कर दिया गया और जेपी पटेल को जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से तमाम जितने भी भाजपा विधायक है वह बाहर निकल चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि मार्शल आउट किया गया है। वही जेपी पटेल को भी मार्शल आउट की बातें कही जा रही है, लेकिन निलंबित की बातें जो है भानु प्रताप शाही और बिरंची नारायण को लेकर जो भाजपा विधायक है, जो उनका कहना है कि वह युवाओं की आवाज़ उठा रहे थे, तभी मुद्दों पर बातचीत करना चाह रहे थे, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या पारा शिक्षक हो, तो इसको लेकर जो है उन्हें मार्शल आउट कर दिया गया है। क्या कुछ निलंबन और मार्शल आउट को लेकर कहना है नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का, तमाम जो विधायक है बिरंची नारायण, जेपी पटेल, भानु प्रताप शाही, अमित मंडल जो युवाओं की हमेशा आवाज़ उठाते हैं, उनका युवाओं की नियुक्ति को लेकर, यह कुछ आप देखिए। क्योंकि कहा जा रहा है भाजपा विधायकों द्वारा कि बाहर जो जितने भी संगठन है वह सड़क पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो सदन में विधायक आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटेंगे जब तक निलंबन वापस नहीं होगा। तो भाजपा के विधायक आप देख रहे हैं कि विधानसभा के बाहर निकल चुके हैं और सभी जितने भी विधायक हैं वह जो है नारेबाजी करते हुए आप देख रहे हैं, चाहे वो अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष हो, बिरंची नारायण हो, नवीन जायसवाल, दुल्लू महतो, सभी विधायकों, जेपी पटेल, नारायण दास, मनीष जायसवाल, सभी विधायकों को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। तो जिस तरीके से खबर आई कि तीन विधायकों को निलंबित की गई, उसके बाद जो जितने तमाम भाजपा के विधायक हैं वह बाहर जो है निकल गए हैं, क्या कुछ कहते हैं इस मुद्दे को लेकर, यह हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। निलंबन सरकार को बचाने के लिए, युवा के मुद्दा को भटकाने के लिए, नौजवानों को नौकरी नहीं देने के लिए, अनुबंध कर्मियों को स्थायी नहीं करने के लिए यह निलंबन किया गया है। क्योंकि हम लोग युवा का विषय आज सदन में कार्यस्थगन के माध्यम से, जेएसएससी का एग्जाम हो, पारा शिक्षक का विषय हो, स्वयं सेवक का विषय हो, पारा मेडिकल स्टाफ का विषय हो, हम लोगों ने लाने का काम किया। यही तो सबसे बड़ा विडंबना है कि मुख्य सचेतक, सचेतक और हमको पता नहीं किस विषय पर, जबकि यह नियम उन्होंने दिया था कि शून्यकाल से पहले कार्यस्थगन पढ़ा जाएगा, और जब पढ़ने का हम लोगों ने मांग किया तो हम लोगों को मार्शल आउट करा दिया, हम लोगों को निलंबित कर, तो पार्टी तय करेगी। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं युवा के लिए, बिल्कुल आज रात को शाम को हम लोग गवर्नर से मिलेंगे। वो सरकार अपना पक्ष रखेगा, लेकिन यहाँ तो इन्होंने खुद नियम दिए थे कि हम 0 आवर के बाद आपका कार्यस्थगन लेंगे। हम लोग उन्हीं चीजों को मांग कर रहे थे, उस समय खुद ये स्पीकर सदस्य हुआ करते थे, उन दिनों को ये भुला गए। उस समय सब चीज ठीक था, ये विपक्ष में थे, हल्ला कर रहे थे, सब ठीक था। आज हम विपक्ष में सरकार राज की जनता की आवाज को रख रहे तो हम गलत है। तो सहयोग नहीं करेंगे आप लोग सदन में? हम लोग तो सदन में सहयोग करना चाहते ही हैं। अब सरकार, हम लोग सवाल लाते हैं तो उत्तर से सरकार भागती है, गलत उत्तर देती है। क्या बदले की कार्रवाई मानते जो निश्चित रूप से बदले? मुझे तो लग रहा है बदले की कार्रवाई है। देखिए आप क्या इनका सेंस काम किया, लेकिन शुरू दिन से मेरे प्रति तो मैं देखा हूँ, जयप्रकाश भाई पटेल फोबिया बीमारी से स्पीकर ग्रसित है। 3-4 बार मुझे निलंबन किया गया है, जिसमें एक बार मुझे, मैं बहुत कोई ऐसा एक्टिविटी में नहीं रहा, लेकिन हमको निलंबित। एक बार तो मैं सदन में भी नहीं हूँ, रेस में जो है अंदर में नहीं हूँ, फिर भी मुझे निलंबित कर दिया गया था। बदले की कार्रवाई निश्चित रूप से, नहीं 1000 बार निलंबित होना पड़े तो हमारे सारे सदस्य उनके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है, निलंबित होने के लिए तैयार है। ये क्या किया है, ये जो निकालना, अगर कार्य स्थगन मांग रहे थे, कार्य स्थगन की सूचना मांग रहे थे, वो पढ़ देते तो विषय आ जाता, लेकिन नहीं करके जो तानाशाही चला रहे हैं सरकार, ये जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक सरकार हो गई, जो संवैधानिक अब रही नहीं, मुख्यमंत्री सहित उन पर जो चार्जेज लगे हुए हैं और जिसके कारण जो संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना कर रहे हैं, जो संविधान की शपथ खा कर संविधान के पद पर बैठे हुए हैं, ये पूरा अलोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, और इसी को लेकर के आज शाम को 4 बजे हम लोग गवर्नर से भी मिलने वाले हैं, वहां में गवर्नर से भी मिलेंगे हम सब लोग, और इस राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे ताकि यहां लोकतंत्र की स्थापना हो सके। लेकिन अमर जी दिल्ली कि वहाँ माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम लोग जवाब देने वाले हैं, एक कमेटी बनी है, उसका सूचना आ जाए और हम लोग करें। लेकिन आज जो निलंबन हुआ है वो है कार्य स्थगन, जो उन्होंने नियमन दिया है कि सूचना के पहले कार्य स्थगन को पढ़ना चाहिए। अब वो यदि जो अपना राइट है, जो हमारा जो विधानसभा का विधायक राइट है, उसको मांगने से यदि आप यदि बाहर करते रहे, तो इससे ज्यादा और क्या खराब हो सकता है।
इससे ज्यादा और क्या प्रहसन हो सकता है इस लोकतंत्र का और इस विधानसभा का। इसलिए हम लोगों ने भी, सभी विधायकों ने, हम लोगों ने, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हम लोगों ने इस सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। स्पीकर पर पुनर्विचार करने का आप 100% उनको करना चाहिए, इनके निलंबन को वापस लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग और आगे के लिए और जितने लोगों को, सब लोगों को, यदि झारखंड के जनता का, युवाओं का आवाज उठाना अपराध है, अगर यदि यहाँ हमारे स्वयंसेवक जो बहाल हुए थे उसको संसदीय कार्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री कहते हैं कि इनको जो रख करके पाप किया था पूर्ववर्ती सरकार ने, रघुवर दास जी की सरकार ने, तो अगर रोजगार देना पाप है तो हम लोग बार बार करेंगे, लगातार उठा रहे हैं। और हम लोग चाहते थे कि सरकार सकारात्मक जवाब दे, जिस प्रकार से JPSC और JSSC जैसी संस्थाओं द्वारा एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जा रहा है, जिस प्रकार साहब 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा कर सरकार अपने वादे से मुकर गई है, तो उन सब चीज़ का उत्तर हम लोग सरकार से चाहते थे, लेकिन सरकार ने अनफॉर्चुनेटली युवाओं के हित की बात करने से इनकार कर दिया, जिसका यह परिणाम है कि हम लोगों ने जब अपना कार्यस्थगन को पढ़ा तो तीन विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। युवाओं के हित के बारे में और युवाओं के मुद्दे को उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है, चाहे सस्पेंड हो, चाहे हम लोगों को सदन से निकाल दिया जाए, लेकिन युवाओं का मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर मुद्दा है। बोल रहे आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते? चर्चा तो उनसे किया जाता है कि जो चर्चा में भाग लेके उसका उत्तर दे। अभी आपको बताइए कि स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, 1932 खतियान हो, JPSC का एग्जाम हो, JSSC क्यों कंडक्ट कर रहा है, JPSC JSSC एक साथ, इसका उत्तर कौन देगा? ये तो सरकार को देना है, सरकार देने से इसका मुकर रही है। अभी आप देखिए कि सरकार के संज्ञान में भी कई चीजें हैं, मानदेय भोगी का मामला हो, उसको स्थायी करने का मामला हो, सरकार क्यों नहीं इसमें पॉजिटिव उत्तर दे रही है? 4 साल बीतने को है, 4 साल के बाद भी यदि सरकार इसका पॉजिटिव उत्तर नहीं दे पा रही है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, वो सड़क और सदन में हंगामा करना। सड़क पर युवा हंगामा कर रहे हैं और सदन के अंदर विधायक हंगामा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपनी बातों को रखने का आंदोलन एक बहुत अच्छा जरिया है और उसी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। इसमें असंवैधानिक बातें कुछ नहीं है। नहीं, मैं एक सेकंड में मैं कहना चाह रहा हूँ, अमर बावरी जी को जब आप लोगों ने बना दिया है नेता प्रतिपक्ष, तो क्या एक दलित पर विश्वास नहीं है? तो बेकार आप लोगों ने बनाया, उनको हटा दीजिए उसको यहाँ से। फिर आप जो चाहते हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने उनको मौका दिया, सारी बातें आपने कह दिया, हम लोग शांत रहे, उसके बाद भी देखिए ये लोग पचा नहीं पा रहे एक दलित को। नेता प्रतिपक्ष दलित है उसको आप नहीं पचा पा रहे हैं, तो आखिर ये लोग क्या चाहता है? भानु बनना चाहता है बन जाए, विरिंची बनना चाहता है बन जाए, लेकिन दलित को जब आप कुर्सी दिए हैं तो सम्मान दिए। मैं पहले भी मैंने कहा है दलित बैठ गया है कुर्सी पर, इसलिए लोग पचा नहीं पा रहा है, इसलिए लोग हल्ला कर रहा है। तो इनकी सुनिए, इनकी मंशा सरकार के इशारे पे अध्यक्ष हाउस को चला रहे और निलंबित कर रहे। आप देखिए, आप लोग थे ना वहाँ पर सदन में, आप लोग गवाह है ना, क्या आचरण है इन लोगों का? जनता अगर देखेगी, आप लोग दिखाइएगा क्या करते हैं वो लोग, शून्यकाल बताइए साहब, इतना महत्वपूर्ण सवाल होता है और आप बाधित कर रहे हैं वहाँ पर। शून्यकाल में कम से कम बैठ जाना चाहिए। अध्यक्ष जी तंग आकर इन लोग पे एक्शन लिया गया है। तस्वीरों में देखिए कि अमित मंडल, नारायण दास, अनंत ओझा और जितने भी भाजपा के विधायक हैं, चाहे समरी लाल हो, तमाम को आप देख रहे हैं, कुशवाहा शशिभूषण मेहता हो, अमित यादव जो बरकट्ठा से हैं उनको आप देख रहे हैं। लगातार रांची में कौशल कुमार लाइव। लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।